डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सब कुछ है, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। और हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में वेक्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर। तो बेटा मैंने बताया था कि वेक्टर दो तरह के होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अलग की बात है। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर में दो पार्ट होते हैं। वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें दो पार्ट होता है, हेड होता है और एक टेल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, ये वेक्टर, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है क्या है बेटा, हेड है, और ये वाला जो पार्ट है ये टेल है। क्या है? टेल है। हेड जो है डायरेक्शन को बता रहा है, और टेल वाला जो पोर्शन है मैग्नीट्यूड को बता रहा है। हेड पार्ट भी को बता रहा है डायरेक्शन को बताता है, और टेल पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बेटा जो है, अगर आपसे कहा जाए कि ये वेक्टर जो है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, आप देख रहे हो इसका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। ए का जो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम लोग हेड और टेल से डिनोट करते हैं। हेड पार्ट जो है डायरेक्शन को बताता है, और टेल पार्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बता रहा है, मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। फिर जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर में आप पढ़े होंगे, पहला जो वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर क्या होता है बेटा, जिसमें दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, सेम होता है। पहला इक्वल वेक्टर अब देखिए यहाँ पे दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। सपोज दैट जो है बेटा, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए बी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर हो गया। फिर जो है दूसरा जो वेक्टर आता है अपोजिट वेक्टर में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। आप डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन इज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, इसका अपोजिट वेक्टर। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा है दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा भैया, दोनों वेक्टर के बीच एंगल 180
180 180। ये जब भी हम लोग एंगल लेते हैं या तो टेल टू टेल लेते हैं या हेड टू हेड लेते हैं, कभी भी एंगल जो है दो वेक्टर के बीच में हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं लिया जाता है। याद रखना अपोजिट वेक्टर। फिर आता है यूनिट वेक्टर क्या होता है या नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर क्या होता है भाई? नल वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या होता है अनडिटरमाइंड होता है और मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दोज वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड विच है जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अनडिटरमाइंड एंड डायरेक्शन इज अनडिटरमाइंड होता है, डायरेक्शन डिटरमाइंड नहीं होता है। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर जो है जीरो होता है, डायरेक्शन इनडिटरमाइंड होता है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर, या इसी को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वेक्टर देखिए आप, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और डायरेक्शन जो है अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर दोज वेक्टर विच है वन मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर एंड डायरेक्शन अलोंग द ओरिजिनल वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फिर एक आता है को प्लेनर वेक्टर। क्या होता है? जो एक ही प्लेन में होता है, बहुत सारे वेक्टर है और एक ही प्लेन में होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? को प्लेनर वेक्टर दोज वेक्टर विच lies in the same plane which lies in the same plane is known as coplanar vector is जब एक ही प्लेन में लाइज करते हो उसी को को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जब दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। देखिए यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर में जैसे मान लो वेक्टर एक बेटा ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर यहाँ से ये बी है, तो जो एक ही पॉइंट से यहाँ पर ओरिजिन हो रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह का अगर वेक्टर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। फिर आता है एक्सियल वेक्टर। क्या होता है एक्सियल वेक्टर? और एक्सियल वेक्टर है पोलर वेक्टर क्या होता है बेटा? पोलर वेक्टर जो है ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेट करता है। देखिए यहाँ पे पोलर वेक्टर
पोलर वेक्टर रोज वेक्टर विच इज रिलेटेड टू ट्रांसलेटरी मोशन इज नोन एज पोलर वेक्टर। फिर बेटा यहाँ पे देखो दूसरा वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर का संबंध रोटेटरी मोशन से होता है। रोटेटरी मोशन जैसे टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स है, मोमेंटम है, लीनियर वेलोसिटी है। दोज वेक्टर विच इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, फोर्स है, लीनियर वेलोसिटी है, मोमेंटम है, इसका एग्जाम्पल टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ से वेक्टर से रिलेटेड जो हम लोगों के एग्जाम में आता है, कहते हैं बेटा जो है वेक्टर को कैसे सबस्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, तो दिखेगा हेडिंग के रूप में एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए बेटा यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, दो वेक्टर सपोज दैट एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ऐसे बी है, तो बिल्कुल जो है वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है और इसको शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जाता बेटा, डायरेक्शन चेंज करोगे वेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ से इसके टेल को इसके हेड से मिला लेते हैं, ये वेक्टर ए है और आर वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सपोज दैट जो है आपके सामने एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में वेक्टर ए बी है, अगर ऐड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा आर रिजल्टेंट। दोनों मिल गया एक साथ, तो रिजल्टेंट ही बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों एक ऊपर एक सेट कर दिया, एक के ऊपर एक सेट कर दिया। फिर जो है जो मेन क्वेश्चन आता है पॉलीगन मेथड से भी आता है, एनालिटिकल मेथड से भी आता है, वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। देखिए यहाँ से मान लो बेटा जो है वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट करना है, तब क्या करोगे, वेक्टर को बिल्कुल जो है पलट दीजिए साइन के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये है और एक वेक्टर ये बी है, तो बिल्कुल जो है इसको क्या करेंगे ऐसे पलट देंगे, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे
अब जो है आसानी से इसको ला करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये माइनस बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर आर वेक्टर इसका टू क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वेक्टर का एडिशन या सबस्ट्रैक्शन सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो है पॉलीगन मेथड से कैसे हम लोग वेक्टर को एडिशन करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड मेथड देखो बेटा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये बी है, और एक वेक्टर जो है ये वेक्टर ऐसे ये सी है। तो जनरली जो है हम लोग पहले ये वेक्टर लिखते हैं और फिर यहाँ से इसको उठाते हैं बिल्कुल ऐसे इसी डायरेक्शन में, फिर इस तरह से बी वेक्टर को लिखते हैं, फिर इसी डायरेक्शन में इसको जो है बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ये बी वेक्टर हो गया, और फिर यहाँ से इसको जो है जस्ट ऐसे ऐड कर देते हैं, तो आर वेक्टर क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, पॉलीगन मेथड है ये, वेक्टर का डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज आ करके शिफ्ट करके वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर जो है जो मेन मेथड आता है एनालिटिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से कैसे वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, वेक्टर एडिशन ऑफ मेथड, एनालिटिकल मेथड क्या बेटा, या पैरेललोग्राम मेथड भी इसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, अब जो है इन दोनों को जोड़ना है, इसको आगे हम बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, और यहाँ थीटा एंगल है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है भाई, रिजल्टेंट किसी को याद है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, और याद रखना हमेशा बेटा जो है कभी भी एंगल लिया जाता है तो टेल टू टेल के बीच लिया जाता है या हेड टू हेड के बीच लिया जाता है, कभी भी एंगल जो है टेल और हेड के बीच में नहीं लिया जाता है। सपोज दैट जो है इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री हो जाए तब क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट आर इक्वल टू कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगर जीरो है, जीरो है तो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर है। अब देखो बेटा यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर कह रहा कि ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपोजिट है, ये वेक्टर ये है, एक वेक्टर ऐसे है, इस केस में क्या हो जाएगा भाई, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होता है। अब इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ओके। फिर कह रहा है अगर मान लो बेटा जो है थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, उस केस में आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। मान लो रिजल्टेंट यहाँ से
ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट के साथ अगर ये डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सीधे फार्मूला टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा, याद रहना अगर डायरेक्शन पूछता है तो, नहीं तो ज़्यादातर जो है यही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है या दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल जो है 180 है तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा। अब मान लो बेटा जो है यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए सपोज दैट मैंने फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे इफ ए इजकल टू बी हो जाए तो उस केस में एक शार्ट फार्मूला आ जाता है आर इजकल टू टू ए कॉस थीटा बाई टू, याद रखना टू ए कॉस थीटा बाई टू। अगर आपसे कहा जाए बेटा जो है यहाँ पे सभी लोग सॉल्व करिएगा 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है और 10 न्यूटन का ही फोर्स यहाँ पे भी काम कर रहा है और रिजल्टेंट आपको बताना है ये थीटा जो है मान लो 60 डिग्री, रिजल्टेंट क्या होगा भाई नेट फोर्स की वैल्यू, एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहा है कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे। तो बेटा जो है दो वेक्टर है, एक वेक्टर का हेड इधर है और दूसरे वेक्टर का हेड इधर है और जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है, किसके किसके बीच एंगल है ये टेल और टेल के बीच में है तो बिल्कुल वैलिड है, यहाँ पे दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सेम है तो यहाँ पे आप आसानी से क्या कर सकते हो बेटा रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा या नेट फोर्स जो आ जाएगा क्या हो जाएगा 2f cos थीटा बाई टू, बिल्कुल उसी तरह का, ऐसा नहीं कि कोई नया फार्मूला, इसी से निकाला गया, इसी से निकाला गया है। यहाँ पे f नेट क्या हो जाएगा बेटा 2f, f की वैल्यू 10 है और यहाँ पे cos 60 बाई टू, आंसर क्या हो जाएगा f नेट इज इक्वल टू 2f cos 30 और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रूट 3 बाई टू रूट, तो आसानी से यहाँ पे f नेट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, f की वैल्यू कितना रख दें 10, तो 2 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाई टू, ये कैंसिल हो गया 10 रूट 3 न्यूटन आ गया। सपोज दैट बेटा जो है अगर ऐसे एंगल दे देता है, देखो यहाँ पे एक वेक्टर ए है और ये फोर्स है ये भी 20 न्यूटन है और एक ऐसे दे दिया ये भी 20 न्यूटन है और बीच का एंगल जो है बीच का एंगल जो है 60 दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि नेट बताओ क्या करोगे। यहाँ पे बेटा जो है एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का क्या है टेल है, एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है, एंगल ऐसे नहीं लिया जाता है, एंगल किस में लिया जाता है तो इसको क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी क्रम में आगे बढ़ाएं, ये हेड हो गया ये टेल हो गया, अब ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा 180, इतना एंगल 60 है ये एंगल क्या हो जाएगा 120 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा कि नेट फोर्स बताइए, जब मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे ये फार्मूला आसानी से लगा सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई टू और थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 2 कर दोगे कितना आ जाएगा 60 और cos 60 की वैल्यू हाफ 1/2 हो जाता है, वैल्यू आसानी से कर सकते हो। अब देखो हाँ 20 आ जाएगा, मान लो बेटा जो है एक डाई पोल है ये माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे भी एक डाई पोल रखा है
और यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, और आपसे दे दिया है एंगल जो है यहाँ पे 30 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है पोल है, ये भी डाइपोल मोमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट बताइए। आप जानते हो कि इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस होता है, और इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस। देख रहे हो ना, एक वेक्टर का हेड मिल रहा है और एक वेक्टर का टेल मिल रहा है, मामला सही नहीं है। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब देखिए, अब ये P हो गया, अब जो है इसको ऐसे मिलाया, पूरा एंगल कितना है 180, लेकिन इतना कितना इतना है 30, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 150 हो गया। तो आप जो है मेन फार्मूले से भी लगा सकते हैं, या जो नेट फार्मूला है P नेट इक्वल टू 2P cos थीटा बाई 2 वैल्यू रख करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।